हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पीएससी के डेंटल सर्जन एग्ज़ाम के लिए। ये एक एमसीक्यू प्रैक्टिस है, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। ये डेंटल सर्जन का जो एग्ज़ाम पुराना वाला हुआ था उसके क्वेश्चंस भी यहाँ पे लाए गए हैं, तो आई एम श्योर दिस डिस्कशन विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आइए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो इस सीरीज़ में अगले 4-5 वीडियोज़ और भी आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी वीडियोस को पाने के लिए अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। और जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं, वो रामसोनी CGPSC नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले कल में CGPSC के लिए फुल फ्लेज्ड एक बैच कोर्स चलाया जाएगा, आप उसे भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। CGPSC के 1 ईयर बैच कोर्स की फीस रखी जाएगी, दैट विल बी 7,000 रुपीज़। ऑलराइट, चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपके छत्तीसगढ़ पीएससी पूछा गया था, हु इनॉग्रेटेड कांग्रेस बिल्डिंग इन 1940 एट रायपुर। 1940 में जो कांग्रेस बिल्डिंग थी, कांग्रेस भवन का उद्घाटन किसने किया था? इसका सही आंसर है श्री वल्लभ भाई पटेल। हमारे जो सरदार पटेल हैं, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बेसिकली 1940 में कांग्रेस बिल्डिंग को यहाँ पर इनॉग्रेट किया था। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके पीएससी में पूछा गया था, इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन रायपुर वाज कमिश्नरी फॉर्म्ड। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। व्हेन रायपुर कमिश्नरी वाज फॉर्म्ड, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाना चाहिए, रायपुर कमिश्नरी कब बना? तो इसका सही आंसर है 1862, 1862 में, जब अंग्रेजों के टाइम में रायपुर को कमिश्नरी बनाई गई थी। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही मीडियम में रखा हुआ है, एनीवे दोनों पेपर देखने की जरूरत नहीं है, एक ही में सब कुछ लिखा है। तो रायपुर कमिश्नरी का फॉर्मेशन हुआ था 1862 में। ऐसे क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा इतना डिटेल हम लोग पढ़ते नहीं हैं यूजली, तो कई बार चीज़ें मिस जाती हैं। एनीवे इतने परेशान नहीं होना है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन ऑफ छत्तीसगढ़ हु वॉज द मेन वर्कर ऑफ स्वराज्य पार्टी। तो स्वराज्य पार्टी में छत्तीसगढ़ की तरफ से कौन थे? ये थे ई राघवेंद्र राव। स्वराज्य पार्टी का गठन हुआ था, आई एम श्योर आपको पता होगा इसके बारे में, मोतीलाल नेहरू का कंट्रीब्यूशन इसमें काफ़ी बड़ा था। तो छत्तीसगढ़ की तरफ से जो थे उनका नाम है ई राघवेंद्र राव। छत्तीसगढ़ के एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो स्वराज दल का प्रमुख कार्यकर्ता था, तो ये हैं ई राघवेंद्र राव, इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गांधी जी कमिंग टू छत्तीसगढ़ फॉर द सेकेंड टाइम। गांधी जी छत्तीसगढ़ में जब दूसरी बार आए तो उनका पर्पज़ क्या था? इसका सही आंसर है वेलफेयर ऑफ हरिजन, जो हरिजन है उनके विकास के लिए। हालांकि हरिजन जो टर्म है या दलित टर्म जो है, ये एज ऑफ नो कानूनी अवैध है, ये टर्म इस्तेमाल करना लीगल नहीं है, तो इस टर्म को इस्तेमाल करने से आप बचें। यदि आपको टर्म इस्तेमाल करना है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है शेड्यूल कास्ट, आप उस टर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दलित वर्ड इस्तेमाल करना, हरिजन वर्ड इस्तेमाल करना एक कम्युनिटी के लिए एक इंसल्टिंग माना जाता है। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, हु इज़ नोन एज गांधी ऑफ छत्तीसगढ़ के गांधी कहने कहते हैं, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और नाम है पंडित सुंदरलाल शर्मा को, छत्तीसगढ़ के गांधी के रूप में पुकारा जाता है। ये क्वेश्चन वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए भी आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, आने वाले कल पूछा जा सकता है पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम। अगला, बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्रिंसली स्टेट कौन था? देखिए, पता होना चाहिए, जब भारत ब्रिटिशों के गुलाम में था, मतलब आई मीन ब्रिटिश इंडिया का टाइम था, तो उस समय देखिए दो प्रकार के राज्य होते थे, एक होते थे ब्रिटिश प्रोविंसेस, इन्हें बोलते थे ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब है ऐसे प्रोविंसेस जहाँ पर अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल होता था। जैसे सेंट्रल प्रोविंस की बात करें, यहाँ पे अंग्रेजों का डायरेक्ट कंट्रोल था। सेंट्रल प्रोविंस का कुछ पार्ट बेसिकली छत्तीसगढ़ का भी था, हालांकि कुछ पोर्शन जबलपुर का था, लेकिन मेजर पोर्शन छत्तीसगढ़ का भी था सेंट्रल प्रोविंस में। तो ये है सेंट्रल प्रोविंस, इसे बोलते हैं ब्रिटिश प्रोविंसेस, है ना, ब्रिटिश प्रांत। और दूसरे प्रकार के स्टेट होते हैं जिन्हें बोलते थे प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट का मतलब है रियासतें। इन रियासतों की खासियत ये होती थी कि यहाँ पे सीधा कंट्रोल अंग्रेजों का नहीं था, बल्कि यहाँ पे राजा कंट्रोल करते थे और उनके ऊपर अंग्रेजों का एक कमिश्नर बैठा होता था। जैसे आप लोगों ने लगान मूवी देखी होगी, लगान मूवी में राजा होते साहब होते थे, उनके ऊपर अंग्रेज जो हैं बैठे होते थे, तो जो भी लगान के जो चार्जेस होने चाहिए, कितना राजस्व वसूलना है, सारी चीज़ों को ऑर्डर देने के लिए। लेकिन मेनली जो डायरेक्ट कंट्रोल था वो भारतीय राजाओं का था, उनके ऊपर फिर अंग्रेज वसूलते थे उनसे पैसे। सिस्टम बेसिकली ऐसा बना हुआ था। एवली जो आपने सुना है कि 550 से अधिक रियासतों को सरदार पटेल साहब ने इकट्ठा किया, उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो वो रियासतें थी, है ना। तो इसे आप लोग याद है, जैसे होलकरों की रियासत हो गई, सिंधियाओं की रियासत हो गई, जैसे बस्तर रियासत हो गई, है ना, समथिंग लाइक दैट।
तो बिगेस्ट प्रिंसली स्टेट कौन सा था? ये था बस्तर। इसको आप याद रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट है ना। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी रियासत कौन थी? ये थी बस्तर। अगला क्वेश्चन है, हु हैस्टेड द फ्लैग ऑन 15 अगस्त 1947 एट गांधी चौक इन रायपुर। 15 अगस्त 1947 को किसने झंडा फहराया था गांधी चौक में रायपुर में? तो ये नाम है वामन राव लाखे। वामन राव लाखे का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वामन राव लाखे ने गांधी चौक में तिरंगा फहराया था 15 अगस्त 1947 के दिन। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज विद गांधी जी ड्यूरिंग हिज फर्स्ट छत्तीसगढ़ विजिट। छत्तीसगढ़ की जब पहली विजिट उन्होंने किया था उस समय उनको साथ में कंपनी कौन कर रहे थे? नाम है शौकत अली। तो गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ कौन थे? नाम है शौकत अली। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को याद रख पाना बहुत ही मुश्किल होता है, बट एनीवे। अगला क्वेश्चन है, रामगिरी डिस्क्राइब्ड इन मेघदूत। मेघदूत जो है एक बहुत ही बड़ी रचना है, किसकी रचना है बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके? कालिदास की रचना है मेघदूतम। इज सिचुएटेड ऑन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो रामगिरी कौन से जिले में है? तो ये है आपके सरगुजा में। तो मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है? सरगुजा जिले में है। एनीवे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु हैड फॉर्म्ड वर्ण वानर सेना। क्या है वानर सेना? वानर सेना वैसे इंदिरा गांधी जी के द्वारा फॉर्म किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, वानर सेना गठन किसने किया था? तो नाम है वासुदेव देवरस। हालांकि ये नाम कई बार डिस्कस किया जाता है छत्तीसगढ़ में जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था उस टाइम पे, तो वासुदेव देवरस का नाम याद रखिएगा, ये नाम थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द ओल्डेस्ट थिएटर प्लेस सिचुएटेड इन द छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना ओल्डेस्ट थिएटर प्लेस जो है वो कहाँ पे है? तो ये है सरगुजा में। कहाँ पे है? सरगुजा में। इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। सो सरगुजा का लोकेशन भी आपको याद रखना है, बिकॉज कभी कभी एग्जाम में ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। तो सरगुजा का लोकेशन कहाँ पे है? तो ये है सरगुजा का लोकेशन, अंबिकापुर आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल हमारे छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न साइड में है। ये जसपुर है। ये बेसिकली जसपुर का जो जिला है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ब्राह्मणी रिवर सिस्टम के अंतर्गत आता है। सरगुजा कुछ पार्ट, बलरामपुर का पार्ट, ये सारी सोन रिवर सिस्टम के अंतर्गत कवर किया जाता है ना। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना नाट्य स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये बताया हम लोगों ने, ओल्डेस्ट थिएटर कहाँ पे है? ये है सरगुजा में। इस क्वेश्चन को जरूर याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द ओरिजिनेटर और फादर ऑफ जांजगीर सिटी। जांजगीर सिटी के ओरिजिनेटर कौन है? तो देखा है तो जांजगीर चंपा, आप देख सकते हैं ये है जांजगीर चंपा का लोकेशन, जांजगीर सिटी है यहाँ पे, है ना। तो जांजगीर सिटी के ओरिजिनेटर का नाम है, दैट इज जाजल्यदेव। क्या नाम है? जाजल्यदेव, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच प्लेस हैज द मैक्सिमम हाइट इन छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन तो हालांकि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यूजुअली ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे आते हैं, तो एटलीस्ट ये कह सकता हूँ मैं, थोड़े आसान क्वेश्चन है। तो कौन है? ये है गौरलता। क्या नाम है? गौरलता। गौरलता की जो हाइट है सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम हाइट है, तो ये आप लोग याद रखें, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गौरलता। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैडम सिली डैम। मैडम सिली डैम कौन से ज़िले में लोकेटेड है? तो बांधों से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ आते हैं, बिकॉज सच काइंड ऑफ डैम्स आर क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इरीगेशन पर्पस। तो ये कौन से ज़िले में है? ये है धमतरी ज़िले में। छत्तीसगढ़ का मैप जितनी बार देख सकें उतना अच्छा है, और धमतरी ज़िला वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारी महानदी का भी उद्गम यहीं से होता है, धमतरी ज़िले से। तो ये आपका धमतरी ज़िला हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे मैडम सिली डैम है। इसको आप लोग कहें मैडम नहीं बल्कि मैडम सिली डैम है, मैडम सिली बांध बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच डिस्ट्रिक्ट हैज द मैक्सिमम सुलु ट्राइब पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़। मैक्सिमम सुलु ट्राइब पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़, और ये कौन सा है? दंतेवाड़ा। तो उस टाइम के हिसाब से दंतेवाड़ा था, हालांकि 2011 सेंसस डेटा के हिसाब से है, तो संख्या के आधार पर पूछा गया है, तो यह है दंतेवाड़ा, है ना। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा बेसिन स्ट्रक्चर विच रॉक सीरीज इज मोर एबंडेंट। कौन सी रॉक सीरीज यहाँ पाई जाती है सरगुजा बेसिन स्ट्रक्चर में? तो सरगुजा बेसिन स्ट्रक्चर कौन सा है? हमारे छत्तीसगढ़ का जो नॉर्दर्न रीजन है ये सरगुजा बेसिन स्ट्रक्चर में आता है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे गोडवाना रॉक्स पाई जाती हैं, ये है गोडवाना सेल समूह, है ना। सरगुजा बेसिन की संरचना में गोडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला है गोबरदा सेंचुरी। देखिए सेंचुरी से क्वेश्चन पूछे आते हैं, इसलिए आपको हमारा जो नेशनल पार्क है और सेंचुरीज हैं पढ़ के जाना पड़ेगा। गोमर्दा सेंचुरी जो है कौन से ज़िले में लोकेटेड है? अब यहाँ पे ऑप्शन देखें तो इसमें किसी में भी नहीं है, तो बेसिकली है कहाँ पे? ये पड़ेगा आपके रायगढ़ ज़िले में।
ऑल राइट। और रायगढ़ ज़िला है कहाँ पे, आप इस मैप में देखेंगे तो आपको मिलेगा। रायगढ़ छत्तीसगढ़ का जो हमारा बेसिकली कह सकते हैं जो नॉर्दर्न रीजन है, आप देख सकते हैं ये है रायगढ़ ज़िला। इसमें थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाते हैं तो विजुअल सही आएंगे। तो ये हमारा रायगढ़ ज़िला आप देख रहे होंगे, ये है रायगढ़ ज़िला। तो हमारे छत्तीसगढ़ के नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट में आप कह सकते हो रायगढ़ ज़िला है। तो यहाँ पड़ेगा आपका गोमर्धा सेंचुरी, इसको आप लोग याद रखिए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। सेंचुरीज और नेशनल पार्क कौन से कहाँ पे हैं, आमतौर पे यहाँ से क्वेश्चन बने जाते हैं, है ना। जसपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, यहाँ पे फॉरेस्ट्स आर नोन एज, यहाँ पे फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं जसपुर डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ बोलते हैं धाब। क्या बोलते हैं? धाब। तो जसपुर ज़िले में फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? धाब बोलते हैं। और ढाब जो है आपका ये कौन से ज़िले में? जसपुर के ज़िले में। यहाँ पे ब्राह्मणी रिवर सिस्टम भी है, ब्राह्मणी नदी नहीं बल्कि थोड़ा सा उसमें कुछ नदियाँ जाके मिलती हैं ब्राह्मणी से, दैट्स व्हाई इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट प्लेस। अगला, विच इज़ द ओल्डेस्ट सेंचुरी इन छत्तीसगढ़ स्टेट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार डिस्कस किया गया है एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन थोड़े से आपको याद रखने होते हैं। ये है सितंदी, सितंदी सेंचुरी ओल्डेस्ट सेंचुरी है छत्तीसगढ़ की, इसको आप लोग याद रखेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन राइजेज ओवर दैट की, तो क्वेश्चन बनता है कि सितंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फिर है कहाँ पे? तो आप याद रखिए ये पड़ेगा आपके धमतरी ज़िले में। धमतरी वो ज़िला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बेसिकली महानदी का ओरिजिन भी होता है। तो धमतरी ज़िले की बात करें, यहाँ पे आपका सितंदी पड़ेगा, है ना। तो सितंदी ओल्डेस्ट सेंचुरी कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपके धमतरी ज़िले में। तो धमतरी डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है आपका, अगला क्वेश्चन आपका, विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ हैज़ द डेंसेस्ट फॉरेस्ट। कौन से ज़िले में छत्तीसगढ़ में सबसे घने जंगल हैं? तो ये है नारायणपुर। नारायणपुर में फॉरेस्ट डेंसिटी सबसे अधिक है। तो नारायणपुर का जो लोकेशन है, देखिए यहाँ पर लोकेशन आप जिस चीज़ों को देखते हैं तो चीज़ें थोड़ा सा आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। नारायणपुर बिल्कुल सदर्न रीजन में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नारायणपुर मिलेगा। नारायणपुर है, इसके बगल में देखें तो ये बस्तर का लोकेशन है, दंतेवाड़ा का क्षेत्र, जिस दर नक्सल हिट रीजन्स। एनीवे, तो नारायणपुर की बात करें, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट का जो डेंसिटी है वो सबसे अधिक है। तो वन घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे? नारायणपुर में। विच एनिमल इज स्पेशली प्रोटेक्टेड इन उदंती सेंचुरी? क्या नाम है? उदंती सेंचुरी। यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। साइज बहुत बड़ी तो नहीं है, रायपुर में ये आपको उदंती सेंचुरी पड़ता है। वैसे देखें तो रायपुर और यहाँ पे आप देखेंगे रायपुर और गरियाबंद, इन दोनों में बेसिकली लगा हुआ है। तो रायपुर गरियाबंद का जो लोकेशन है, यहाँ पे बेसिकली पड़ता है आपका उदंती सेंचुरी। नाउ लुक एट दिस वन, यहाँ पे जिस एनिमल को प्रोटेक्ट किया गया है वो एनिमल है वाइल्ड बफेलो। क्या नाम है? वाइल्ड बफेलो। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज एस वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेंबर वन। अगला आपके सामने है, लेट मी ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। उदंती अभयारण्य कहाँ पे है याद रखिएगा लोकेशन। झूम कल्टीवेशन इज पॉपुलर एमंग विच ट्राइब ऑफ छत्तीसगढ़? झूम कल्टीवेशन, तो ये कौन से जनजाति में है? मारिया जनजाति में ज़्यादा फेमस है, हालांकि बहुतों में फेमस है लेकिन मेनली जो है मारिया जनजाति में ही फेमस मनाता है झूम कल्टीवेशन। झूम खेती क्या होती है? खेती किया उसके बाद उसको छोड़ के चले गए, फिर उसके बाद फिर जब उसकी उत्पादकता खत्म हो गई लीव इट, एंड देन आफ्टर जब वो एक दो साल बाद वापस से वहाँ पे आए, एंड देन आफ्टर दे स्टार्टेड टू कल्टिवेट अगेन, है ना। वेन वाज छत्तीसगढ़ स्टेट डिक्लेयर्ड एज द हर्बल स्टेट? छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट कब डिक्लेयर किया गया है? ये क्वेश्चन वाकई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के एग्जाम्स में भी आपको याद रखना है। सन 2001 में छत्तीसगढ़ को एक हर्बल राज्य घोषित किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विलेज अकॉर्डिंग टू पंचायती राज एक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? विलेज का मतलब क्या है? ए विलेज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर थ्रू पब्लिक नोटिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलेज का नोटिफिकेशन गवर्नर के द्वारा किया जाता है, वही पब्लिक माना जाता है, ऑफिशियल विलेज माना जाता है। अनटिलेस गवर्नर नोटिफाइड नहीं किया तो नहीं माना जाएगा, है ना। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट इज द वी नीड द नोटिफिकेशन फ्रॉम द गवर्नर साइड, है ना। और यदि आपसे पूछा जाए छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज सिस्टम है, जो हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि जो ग्राम सभा है, अभी क्वेश्चन कुछ एग्जाम पूछा भी गया था, ग्राम सभा कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, तो आप क्या बताएंगे? आर्टिकल नंबर 243A में ग्राम सभा का जिक्र किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला, हु इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोरम इन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा? ग्राम सभा में जो मीटिंग होती है
उसमें जो कोरम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो कोरम होता है वो क्या होता है, व्हाट इज़ कोरम। कोरम का मतलब ये है कि इतने लोग कम से कम उस मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। कोरम टर्म जो है ना सिर्फ ग्राम सभा के लिए बल्कि विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इतने मेंबर प्रेजेंट होना ज़रूरी है तब जाके वो मीटिंग हो सकती है, वो सेशन ऑर्गेनाइज किया सकता है। और कितना है, ये है 1/10। जितनी टोटल पॉपुलेशन है, जितने टोटल मेंबर हैं, उसका 1/10 आबादी प्रेजेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन में सरपंच, पंच, डिप्टी सरपंच, सरपंच एंड पंच ना दिया हुआ ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन माना है डेप्यूटी सरपंच को, डेप्यूटी सरपंच को इससे रिस्पॉन्सिबल नहीं माना है कोरम ने। हालांकि थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेड होते हैं, बट एनीवे उप सरपंच को माना है, तो थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज बॉडी कॉर्पोरेट, कौन सी कॉर्पोरेट बॉडी है। तो देखें तो कौन सा निगमित निकाय है, तो जिला पंचायत हो गया, जनपद पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गए, सारे को कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में बुलाया जाता है। तो ऑल ऑफ द अदर ऑप्शंस इसको कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में बोला गया है, सभी निगमित निकाय के रूप में माना गया है ना। अगला है, इफ टू कैंडिडेट्स गेट इक्वल वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल। म्यूनिसिपल काउंसिल का मतलब होता है नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत ही बोलते हैं, नगर परिषद ही बोलते हैं। तो म्यूनिसिपल काउंसिल में देखें तो नगर पालिका परिषद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया, प्रेसिडेंट विल गिव कास्टिंग वोट, देयर विल बी शैल बी रेवोक पोलिंग, इट विल बी डिसाइड बाय लॉट, इट विल बी डिसाइड बाय लॉट। इसका सही आंसर क्या है, इट विल बी डिसाइड बाय लॉट। तो वाइस प्रेसिडेंट का यदि इलेक्शन हो रहा है म्यूनिसिपल काउंसिल में और वहाँ पर इक्वल वोट पाए हैं तो क्या कैसे होगा, लॉट द्वारा निर्णय किया जाएगा, है ना। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, लॉट द्वारा निर्णय किया जाएगा। हु प्रिजाइड ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल की पहली मीटिंग को कौन प्रिजाइड करता है। तो याद रखिएगा, पहली मीटिंग को प्रिजाइड करने का, म्यूनिसिपल काउंसिल की बात कर रहे हैं, नगर पालिका परिषद की बात कर रहे हैं, तो इसका बेस्ट ऑप्शन इसमें ये है, कॉम्पिटेंट ऑफिसर एज डायरेक्टेड बाई द कलेक्टर, कॉम्पिटेंट ऑफिसर एज डायरेक्टेड बाई द कलेक्टर। तो ये बेसिकली प्रिजाइड करते हैं, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच द फॉलोइंग इज मैस्ट, इनमें से कौन सा मैस्ट है। ओके, यहाँ पे मैस्ट का कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है मैचिंग का, तो इस क्वेश्चन को हमें छोड़ना पड़ेगा। तो फॉर टाइमिंग इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, बिकॉज यहाँ पे मैचिंग के लिए सेकेंड मैचिंग किससे करनी है इसका कोई ऐसा डेटा दिया नहीं है, तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। बट फिर भी देख लेते हैं, इसमें फोर्थ ऑप्शन सही माना है, चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंट बाई गवर्नर, सही बात है। अदर मिनिस्टर्स विल बी अपॉइंट बाई गवर्नर ऑन वाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर, दैट्स ऑल्सो राइट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। वैसे तो ऑप्शन यहाँ पे सही है, बट देखा है तो यहाँ पे क्या इसमें कौन सा मैच करना है, इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। गवर्नर शैल एडमिनिस्टर द मिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी, ये भी ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे सही है, क्योंकि गवर्नर ही बेसिकली शपथ दिलाते हैं मिनिस्टर्स को। मिनिस्टर सर होल्ड ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ये भी कुल मिला के सारे ऑप्शन सही है, लेकिन मैच का इसमें कोई इशू है, क्वेश्चन यहाँ पे शायद कंप्लीट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन यहाँ पे है, विच द फॉलोइंग विच इज नॉट द करेक्ट फॉलोइंग, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। तो बोलना है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे देखिए तो ये ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे सही है, तो इस हिसाब से ये करेक्ट है। द गवर्नर मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस, गवर्नर मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर सच एडवाइस। ऐसा नहीं होता है, जो एडवाइसेज होती हैं उसमें हर जगह रिकंसिडर करने के लिए आप नहीं बोल सकते, कुछ कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल ये एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख दिया है, तो इस हिसाब से यहाँ पे क्रॉस चेक हुआ और ये ऑप्शन यहाँ पे गलत मान लिया गया है। तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन है, कुछ कंडीशन में कर सकता है लेकिन यूजली सारी कंडीशन नहीं कर सकता। कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर अबाउट द एडवाइस, नहीं किसी भी कंडीशन नहीं कर सकता। देखिए मिनिस्टर्स को कभी नहीं कर सकता, बल्कि कोई बिल पास किया गया है
तो वहाँ पे ज़रूर रिटर्न करने का पावर है कुछ बिल को, लेकिन वैसे मिनिस्टर्स के एडवाइस को ज़रूर रिकंसिडर करने के लिए नहीं बोल सकता। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखें, कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर अबाउट द एडवाइस गिवन ऑन मैटर्स बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द गवर्नर। बिल्कुल सही बात है, कोर्ट कैन नॉट इंक्वायर बिकॉज ये ऐसा मैकेनिज्म नहीं होती। स्टेट लेजिस्लेटिव विल डिटरमाइन अबाउट द सैलरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है दिस इज रॉन्ग वन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच हु कोऑर्डिनेट्स इवेल्युएट्स मॉनिटर्स एंड गाइड द एक्टिविटीज ऑफ जनपद पंचायत एंड ग्राम पंचायत। तो कोऑर्डिनेशन का काम किसको दिया गया है जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को, ये दिया गया है जिला पंचायत को। जिला पंचायत के पास कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। जिला पंचायत इज एक्टिंग एज ए कोऑर्डिनेटिंग बॉडी। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? ऋषभ तीर्थ थी कहाँ पे है? जांजगीर चंपा में। जांजगीर चंपा का लोकेशन जरूर याद रखिएगा, दैट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये है जांजगीर चंपा, बिल्कुल बलौदाबाजार से ऊपर लगा हुआ है, ये है आपका जांजगीर चंपा, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। तो जांजगीर चंपा में है आपका ऋषभ तीर्थ। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द बर्थ प्लेस ऑफ द फाउंडर ऑफ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है वैसे देखें तो, यहाँ पे लिखा है पुष्टि मार्ग महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग महाप्रभु वल्लभाचार्य का बर्थ प्लेस कहाँ पे कंसिडर किया जाता है? तो ये है आपका दैट्स चंपारण्य। कहाँ पे है? चंपारण्य में। तो इसको आप लोग याद रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट। चंपारण्य कहाँ पे है बता सकते हैं आप लोग? तो ये आपको याद रखना है, पुष्टि मार्ग के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य का जन्मस्थल कहाँ पे है? ये है आपका चंपारण्य में। हालांकि चंपारण्य को पहले चंपा झारी बोलते थे, दैट वॉज बेसिकली प्लेस एंड बेसिकली रायपुर। तो कहाँ पड़ेगा बेसिकली? ये है आपके रायपुर में। तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखें, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट वन, चंपारण्य है ना। और वैसे देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, चंपारण्य जो विलेज है अपना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द कन्फ्लुएंस ऑफ शिवनाथ एंड खारून रिवर इज एट दिस प्लेस। तो ये दोनों नदियों का जो संगम है, शिवनाथ और खारून नदियों का, ये कौन सा है? ये है सोमनाथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे। ये दो नदियों का जो संगम है ये कौन सा है? ये है आपका, देखिए हालांकि इस चीज़ को हम लोगों ने क्लास में डिस्कस भी किया था, वैसे वी हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर। तो इसमें बाकियों का भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसमें प्रॉपर तरीके से। तो शिवनाथ और जो खारून नदी है, शिवनाथ नदी वैसे देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है छत्तीसगढ़ की, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। तो शिवनाथ और जोंग नदी का जो संगम है ये सूर्यनारायण में है, ये आपको याद रखना है। चंद्रपुर में किसका संगम है? यहाँ पे महानदी है, मांड है, और नीचे से जो आती है लात नदी है, इसका संगम है बेसिकली, इसको भी आप याद रखेंगे। और ये जांजगीर चंपा में पड़ता है। और यहाँ पे एक और है आपका जो सिलियारी नदी है और पैरी नदी है, साथ में यहाँ पे महानदी है, इन दोनों का संगम जो है कहाँ पे है? ये राजिम है ना, इसको प्रयाग आप छत्तीसगढ़ बोलते हैं गरियाबंद में। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे याद रखनी ज़रूरी है। लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिवनाथ और खारून नदी का जो संगम है यहाँ पे है सोमनाथ, इसको भी आप लोग याद रखें, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। सो प्लीज़ रिमेंबर सो, दिस इज एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एन ऑर्नामेंट कॉल्ड केयूर इन छत्तीसगढ़ इज वन ऑन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, कौन से पार्ट में पहना जाता है? ऑन लेग्स ऑन द आर्म्स। तो ये देखिए, ये जो केयूर है इसको आप आर्म्स पहनते हैं, इसको आप याद रखेंगे केयूर है ना। और तो ये रहा केयूर के बारे में, इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जैत खाम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसे संबंधित है? तो जैत खाम बेसिकली किस संबंधित है? सतनामी से संबंधित है। जैत खाम तो गुरु घासीदास की जो जन्मस्थली है, याद रखिए गुरु घासीदास, क्या नाम जगह का नाम है? गिरौदपुर है ना। गिरौदपुरी बेसिकली हमारे रायपुर से बिल्कुल
मैं नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल नज़दीक है, समथिंग अप्रॉक्स 100 किलोमीटर के आसपास में होगा। तो गिरौदपुरी में यहाँ पर गुरु घासीदास की जहाँ पे जन्म स्थली है वहीं पे बेसिकली जैद खाम बनाया गया है। बेसिकली जैद खाम को पता होना चाहिए, दिस इज समथिंग लाइक दैट, ये जो कुतुब मीनार है उससे भी कहते हैं ऊँचा है। तो यहाँ पे जो सतनामी समाज है इनके लिए बेसिकली है, हालांकि सभी लोग वहाँ जाते हैं बट सतनामी समाज के हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। तो दिस इज रिलेटेड टू सतनामी, है ना। तो जैद खाम किस संबंधित है, ये है सतनामी से संबंधित। अगला है, विच पर्व फ्रॉम दीज रिलेट टू द वेडिंग ऑफ शिव एंड पार्वती इन छत्तीसगढ़। ये कौन सा, ये है गौरा, गौर। छत्तीसगढ़ में शिव पार्वती वास संबंधित है गौर, इसको आप लोग याद रखें, दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। अगला क्वेश्चन है, हु परफॉर्म मंदारी डांस। मंदारी डांस कौन परफॉर्म करता है, तो मंदारी मांदरी जो नृत्य है मंदारी, ये म्यूरिया ट्राइब हमारी परफॉर्म करती हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स का पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ट्राइब से क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। अगला, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच डांस इज परफॉर्म बी ओराव, ओराव सुलु ट्राइब कौन सा डांस परफॉर्म करते हैं, तो ये बेसिकली है सरहुल। सरहुल इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, इसको आप याद रखें, सरहुल ओराव जनजात के द्वारा। ऑलराइट, अगला है, विच वुमेन हॉकी प्लेयर फ्रॉम छत्तीसगढ़ हैज रिसीव्ड अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड किसको मिला है, ये है सबा अंजुम। सबा अंजुम, हालांकि जो रिसेंट अर्जुन अवार्ड विनर हैं जो छत्तीसगढ़ के हमारे हैं, उनका नाम याद रखना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ से जो पद्मश्री विनर हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, वो सभी नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। हु अमंग दीज हैज हैड दिस हिज क्वेश्चन इन छत्तीसगढ़ आल्सो, तो ये नाम है मोहम्मद हिदायतुल्ला। मोहम्मद हिदायतुल्ला का नाम आप लोगों ने खूब सुना होगा, और मोहम्मद हिदायतुल्ला ने छत्तीसगढ़ से एजुकेशन लिया है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद विच चौका आरती इज रिलेटेड, चौका आरती किस संबंधित है, तो ये कबीरपन से संबंधित है। तो कबीरपन संबंधित है अपनी चौका आरती, इसको आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पीएससी पूछती है। एक और है यहाँ पे, खिचड़ी एंड लड्डूज ऑफ तिल आर प्रिपेयर्ड ऑन विच फेस्टिवल डे, तो मकर संक्रांति में अपने छत्तीसगढ़ में खिचड़ी और लड्डू के, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं बड़ी मात्रा में, तो ये है मकर संक्रांति में। ये थोड़ा स्पेशल सा फेस्टिवल है वैसे देखा जाए तो, यहाँ पे मोस्टली बनता ही बनता है, तो ये हल्का यहाँ पे आप एलिमिनेशन राउंड से आप कर सकते हैं। जो लोग छत्तीसगढ़ में नहीं रहते, हो सकता है उनके लिए कल्चर समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके लिए चीज़ें समझना इतना मुश्किल नहीं है। विच फोक सिंगिंग ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ ए रोल ऑफ रागी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है पंडवानी, और पंडवानी की वेल नोन यदि हम बात करें सिंगिंग में नाम है, बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके, तीजन बाई। तीजन बाई बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, नाम याद रखिए, तीजन बाई पंडवानी से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है तीजन बाई कौन सी सिंगिंग से संबंधित है, लोक गायन से संबंधित है, तो आप बताएंगे पंडवानी से संबंधित है ना। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। विद द फॉलोइंग इज नोन एज द एनर्जी कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का एनर्जी कैपिटल कौन सा है, तो ये क्वेश्चन वैसे देखें तो काफ़ी आसान है। कोरबा में ही मोस्टली जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, तो बड़ा ऑब्वियस बात है, कोरबा इज कॉल्ड एज ए एनर्जी कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। बहुत ही ज़्यादा प्लांट है कोरबा में, और लोकेशन यदि हम देखें तो लोकेशन आपको कोरबा का लोकेशन ज़रूर आपको ध्यान रखना है, कोरबा कहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में पड़ेगा। तो कोरबा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन छत्तीसगढ़, इसे हमारे छत्तीसगढ़ का एनर्जी कैपिटल बोलते हैं कोरबा, याद रखिएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में हल्का नॉर्दर्न साइड में है, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। तो कोरबा हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है, एनर्जी कैपिटल है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स ब्रिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ द कोरंडम डिपॉजिट, कोरंडम कहाँ पाया गया है, कोरंडम। तो कोरंडम देखें काफ़ी महत्वपूर्ण मिनरल है, और ये है दंतेवाड़ा और बीजापुर में, हमारे छत्तीसगढ़ के जो सदर्न साइड में है, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा और बीजापुर, ये दो जिलों का नाम यहाँ पे डिस्कस किया गया है, दंतेवाड़ा एंड बीजापुर। इन दोनों जगहों में बेसिकली कहाँ क्या पाया गया है, कोरंडम पाया गया है। तो कोरंडम कौन सी चीज़ का एस है, बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके। तो कोरंडम क्या है, कोरंडम बेसिकली ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, जस्ट लाइक वी कैन से एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो याद रखिएगा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, से एल्यूमिनियम निकला सकता है, हालांकि एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है उसका एक और नाम है, क्या बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके। एल्यूमिनियम का जो ओर है, एक और नाम बहुत ही फेमस है, एनी ऑफ यू, तो क्या नाम है उसका, उसका नाम है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम के एस का नाम बॉक्साइट है, लेकिन जो कोरंडम है इससे एल्यूमिनियम निकल आता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है ना।
चलिए आगे चलते हैं। तो ये कहाँ पे है? ये है हमारे छत्तीसगढ़ के इधर साइड में, दंतेवाड़ा और बीजापुर में पाया गया है। मिनरल्स में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वेयर इज़ द ट्रेडिशनल छत्तीसगढ़ी टेस्ट सेंटर? दैट्स कॉल्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स कॉल्ड गढ़कलेवा। ये कहाँ पर है? पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन आस्वाद केंद्र, ये कहाँ पे है? रायपुर में है, गढ़कलेवा, है ना। एंड दैट्स द थर्ड लास्ट क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ ए वुमेन गिव बर्थ टू 5 चिल्ड्रन टुगेदर रिसेंटली? ये न्यूज़ का है वैसे, हालांकि ऐसे क्वेश्चन दस डिफिकल्ट टू रिप्लाई। सरगुजा में है, तो उस समय की न्यूज़ में था वैसे, अभी इस समय का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यह है आपका सरगुजा, जो कि अंबिकापुर है ना, सिटी उसी में है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एंड दस द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। पूछा कि इन विच डिजीज द टेबलेट्स ऑफ डी सीज टू बी टेकन? तो ये है फिलेरिसिस। ओके, देखा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम वैसे फाइलेरियासिस है, तो ये क्या चीज़ है वैसे? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस वन। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है, फाइलेरियासिस, फाइलेरिया है ना, दैट्स क्वाइट टिपिकल डिजीज़, पपिया की मॉस्किटो बाइट से वैसे फैलता है। एनीवे, अगला क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगला है, एट प्रेजेंट हु इज द नॉमिनेटेड मेंबर अमंग अस दीज इन छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये हैं श्री बैजनार्ड रोडिक्स। हालांकि ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा होती है जिसमें 90 विधायक होते हैं, अब यहाँ पर कोई भी नामित की जरूरत नहीं है। नामित क्या होता है बेसिकली, पहले एंग्लो इंडियन जो होते थे उनको नॉमिनेट किया था। ऐसा प्रोविज़न था कि जो केंद्र में जो लोकसभा है वहाँ पे कम से कम 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाएगा, यदि उनका एडिक्वेट परसेंटेज नहीं है तो। और स्टेट बेस्ड असेंबली में जो राज्य की विधानसभा होती है उसमें कम से कम 1 को नॉमिनेट किया जाएगा। ये प्रोविज़न पहले था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। हमारे यहाँ SC ST रिविजन को कंटिन्यू कर दिया गया अगले 10 साल के लिए विधानसभा और लोकसभा में, लेकिन एंग्लो इंडियन के लिए जो नॉमिनेशन का सिस्टम है वो बिल्कुल हटा दिया गया, उसको रिन्यू नहीं किया गया। तो बेसिकली सिस्टम यहीं से कम्प्लीट होता है, तो अब ये काम नहीं किया जाएगा। लेकिन यस, उस टाइम के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा है ना। अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे छत्तीसगढ़ से कौन कौन लोग राज्यसभा में नॉमिनेट हुए हैं। ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा सीटें कितनी हैं, बहुत ही कम सीटें हैं। लोकसभा में कौन कौन है ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन राज्यसभा में कौन कौन लोग नॉमिनेट हमारे छत्तीसगढ़ से हुए हैं ये आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा, है ना। बाकी छत्तीसगढ़ में कौन विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष, पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहले प्रेजेंट मुख्यमंत्री कौन है, उस समय जो सेपरेशन हुआ था छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश का, उस समय हमारा राज्यपाल कौन थे, तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा आप तैयार कर रहे हैं ना। तो ये ना डिस्कशन को मेंस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी CGPSC नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, और हमारे CGPSC के लिए एक डेडिकेट प्लेटफॉर्म है। CGPSC की यदि आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ में, तो 1 ईयर बैच कोर्स लॉन्च हो रहा है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस रखिए मात्र 7,000 रुपीज़, 7,000 रुपये में आप घर बैठे CGPSC की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।